टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने नूडल्स के काले खेल का खुलासा किया। दरअसल एक्सपायरी डेट के नूडल्स को पशुओं के लिए खरीदा जाता था, लेकिन धंधेबाज अधिक मुनाफे के चक्कर में एक्सपायरी नूडल्स को बाजार में बेचकर आपके लाडले की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। ये धंधा एक अरसे से पुलिस चौकी के निकट चल रहा था, फिर भी पुलिस बेखबर बनी रही। ये जांच का विषय जरूर है। हालांकि इस मामले में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ खुर्जा कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। बुलंदशहर और खुर्जा में प्लास्टिक के बोरों में रखी एक्सपायरी नूडल्स की जिस खेप को आप देख रहे हैं, ये खेप पशुओं के लिए खरीदी गई थी, लेकिन व्यापारी अधिक मुनाफे के चक्कर में पशु आहार को बाजार में बेचकर आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। व्यापारी एक्सपायरी नूडल्स को खरीदकर पैकिंग को अलग करता था और खुले में नूडल्स को बेच देता था। जांच में ये भी सामने आया कि फारूक साप्ताहिक बाजारों में वेंडर से एक्सपायरी नूडल्स को बिकवाता था। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने गोरख धंधे का खुलासा कर एक्सपायरी डेट वाले नूडल्स के 280 बोरों को जब्त कर पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया था। देखिए, जनपद में पेठ बाजारों में खुले में नूडल्स बिकते हैं, तो बहुत तरह की शिकायतें आ रही थी इसमें। दरअसल उसमें स्क्रैप के नाम पर लोग एक्सपायर नूडल्स के पैकेट खरीद लेते हैं बल्क में, और उसको काट के लूज के रूप में छोटे छोटे पेठ बाजारों में बेच रहे हैं, जो कि गरीब और अशिक्षित लोग खा लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो पेठों में पता करने पर ये पता चल रहा था कि खुर्जा से ये माल सप्लाई किया जा रहा है। तो DO साहब, सूचना मिली थी कि खुर्जा नगर में बुर्ज उस्मान पुलिस चौकी के पास कोई इस बड़े गोदाम में रख के और इस तरह का कारोबार कर रहा है। उसी सूचना पर DO साहब पूरी टीम के साथ वहाँ छापेमारी किए थे, जहाँ बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड नूडल्स, कुछ मसाले जो नूडल्स के अंदर होते हैं, वो सब मिला था। प्रकरण यही है कि पशु आहार के नाम पर बल्क में स्क्रैप के रूप में खरीद कर इसको और धोखाधड़ी करके पेठ बाजारों में फेरी वालों के माध्यम से इसको लोगों को खाने के लिए बिकवाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके संबंध में कार्रवाई हुई थी और ऊपर मौके पर जो फारूक मिले थे उन पर 420 का FIR दर्ज कराया गया है। माल को क्या किया गया सर, सील किया गया है क्या? हाँ, माल तो अब पुलिस के कब्जे में है। फूड सेफ्टी अफसरों ने बुलंदशहर नगर में करीब 2 क्विंटल नूडल्स को नष्ट कराया। वहीं खुर्जा के फूड इंस्पेक्टर ने आरोपी नूडल्स व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।